हाय फ्रेंड्स, एवरीथिंग फॉर एग्जाम चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि क्या है नोट छापने का तरीका। जैसे ही आप ये हेडलाइन पढ़ेंगे, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में बहुत तरीके के प्रश्न आएंगे, लेकिन आपको एक बार इसको जरूर देखना चाहिए और अंत तक देखना चाहिए। वैसे ये आर्टिकल मैंने राजस्थान पत्रिका से लिया है और इसका क्रेडिट मैं राजस्थान पत्रिका को देता हूँ, बट ये आर्टिकल मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने वहां से उठाया। और मैं जानता हूं कि जितने भी लोग इंडिया में इसको नहीं जानते वो जरूर देखें और अंत तक जरूर देखें। सो प्लीज अंत तक बने रहिए। जिसे क्या है नोट छापने का तरीका। जैसे हम बच्चे थे तो आश्चर्य होता था कि सरकार को नोट छापने से कौन रोक सकता है, क्यों सरकार बहुत सारे नोट छापकर अपने नागरिकों को नहीं बांट देती, सरकार सभी नागरिकों को पैसा क्यों नहीं बांट दे ताकि सभी आरामदायक जीवन जी सके। जैसे हम बच्चे थे तो सोचते थे कि यार सरकार के पास तो मशीन है, वो तो ज्यादा से ज्यादा नोट छापकर सब गरीबों को दे सकती है और गरीबी मिटा सकती है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा इसका रीजन क्या है कि असल में मंदी के समय देश मुद्रा प्रिंटिंग का सहारा लेते हैं, जिसे क्वांटिटेटिव ईजिंग कहते हैं। इसका अर्थ है कि लोगों के हाथों में ज्यादा पैसा पहुंचाने के लिए छपाई बढ़ाना। ये शब्द 2008 की मंदी के बाद प्रचलित हुआ, लेकिन ये उपाय चरम स्थितियों के लिए और खतरनाक भी माना जाता है, हालांकि इसके परिणाम कभी अच्छे नहीं रहे। मैं आपको बता देता हूं कि जब भी मंदी आती है तो उस समय प्रिंटिंग की जाती है, नोटों की छपाई की जाती है, और इस मेथड को क्वांटिटेटिव ईजिंग कहा जाता है। और इसका मतलब होता है कि उस समय मंदी के दौर में लोगों के हाथों में ज्यादा से ज्यादा पैसा पहुंचाना, इसलिए छपाई को बढ़ाया जाता है। और ये जो शब्द था, ये जो क्वांटिटेटिव ईजिंग शब्द था, ये 2008 में बहुत ज्यादा प्रचलन में आया। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जब भी ये काम किया जाता है, इससे देश में और खतरनाक स्थिति पैदा हो जाती है। समझते ऐसा क्यों? जिन देशों ने क्वांटिटेटिव ईजिंग का सहारा लिया वहां बेताशा महंगाई बढ़ी, मुद्रा छापने से महंगाई बढ़ती, और यदि आप पैसा अधिक छापते हैं तो अत्यधिक मुद्रा स्फीति के हालात बन जाएंगे। और मुद्रा स्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रा के मूल्य में गिरावट। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जो भी देश क्वांटिटेटिव ईजिंग का यूज करता है तो वहां पर अचानक से मांग और महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई बढ़ने से फिर क्या होता है कि मुद्रा स्फीति के हालात बन जाते हैं, कि मतलब कि आपको अपनी मुद्रा का मूल्य गिरवाना पड़ेगा। तो ये ऐसा कहां पे हुआ था कि 3 साल पहले ये गलती अफ्रीकी देश जिम्बाब्वे कर चुका है। इसके बाद वहां मुद्रा का मूल्य इतना गिर गया कि जिम्बाब्वे के 2.5 करोड़ डॉलर 1 अमेरिकी डॉलर के बराबर रह गया, यानी अंडे और ब्रेड खरीदने के लिए लोगों को थैले भरकर डॉलर ले जाने पड़े। ऐसे ही हालात लेटिन अमेरिका देश वेनेजुएला में भी हुए, इसलिए मुद्रा की गिरती कीमतों को थामने के लिए अवमूल्यन जरूरी होता है। मैं आपको बता देता हूं कि 3 साल पहले ये केस जिम्बाब्वे हो चुका है, उन्होंने अत्यधिक मात्रा में नोट छापे, लेकिन उससे क्या हुआ, मांग बढ़ी, महंगाई बढ़ी, और उसकी वजह से जो उनका मुद्रा स्फीति के हालात बन गए, उनको अपनी मुद्रा का मूल्य घटाना पड़ा, और जो 1 अमेरिकी डॉलर है वो जिम्बाब्वे के 2.5 करोड़ डॉलर के बराबर हो गया। तो इस तरीके से जिम्बाब्वे में बहुत बुरी स्थिति पैदा हो गई। इसी तरीके से वेनेजुएला भी इसका शिकार हुआ। अब बात करते हैं कि हर कोई करोड़पति बन जाता, ऐसा हम सोचते हैं कि अगर सरकार सबको पैसा दे दे तो हर कोई करोड़पति बन जाएगा, ऐसा नहीं होता। इस पर हम बात करते हैं। कल्पना करें, सरकार मुद्रा छापकर हर नागरिक के खाते में 1 करोड़ रुपए जमा करवा देती, अब हर कोई करोड़पति बन जाएगा। वे लोग भी कार एयर कंडीशनर खरीदेंगे जो पहले खरीदने में सक्षम नहीं, एक साथ क्रय शक्ति बढ़ने से मांग बढ़ेगी, फिर महंगाई। जो वस्तु 1 रुपए में मिलती थी वो 100 रुपए में मिलेगी। जैसा मैं आपको बता देता हूं कि मान लीजिए सरकार ने बहुत सारे नोट छाप दिए और छापने के बाद उनको हम सभी के खातों में डला दिया, अब हम 100 लोग हैं और 100 के 100 लोग ही कार एयर कंडीशनर खरीदने में सक्षम हो गए। अब क्या होगा कि अब जो 100 के मार्केट में सिर्फ 50 ही एसी मिलते हैं और अब 100 लोग उसको खरीद सकते हैं, तो जब 100 लोग 50 एसी को खरीदने जाएंगे तो उस एसी की डिमांड बढ़ जाएगी, और जब एसी वाले को भी इससे लगेगा कि जब डिमांड बढ़ रही है तो वो कहीं ना कहीं उसकी उपलब्धता कराने के लिए उसकी महंगाई को बढ़ाएगा, और इस वजह से जो चीज सस्ती मिलती थी अब वो महंगी मिलने लगेगी, तो इससे हालात और ज्यादा बढ़ जाएंगे, बहुत बुरे हो जाएंगे। कितना पैसा पर्याप्त है इसको समझते हैं हम। मान लीजिए भारत में 1 वर्ष में 1 किलो चावल का उत्पादन करता है,
अब सरकार 1 रुपए के 100 नोट छापकर 100 रुपए बना सकती है अथवा 200 के नोट छाप के 200 रुपए बना सकती है। दोनों स्थितियों में अंतर यह है कि या तो हम चावल 100 रुपए में खरीदें या 200 रुपए में, यही मुद्रा के मूल्य का आधार है। मेरे ख्याल से शायद आप इसको नहीं समझ पाए होंगे, मैं आपको बताता हूं कि जैसे हमारे देश में सिर्फ 1 साल में 1 किलो चावल ही पैदा होता है। अब सरकार तो चाहे अगर उनके पास नोट छापने की मशीन है तो वो तो 1-1 रुपए के 100 नोट भी छाप सकती है, 1-1 रुपए के 200 नोट भी छाप सकती है, चाहे तो 300 भी छाप, लेकिन यूज करने वाला चावल कितना है, सिर्फ 1 किलो। अब 1 किलो चावल पर अगर अब जैसे कोई बंदा है उसके पास 100 रुपए है तो 100 रुपए का चावल खरीद के ले जाएगा, दूसरा बंदा है उसके पास 200 रुपए तो 200 रुपए का चावल खरीद के ले जाएगा, तो उस पर जो 1 किलो को चावल खाने के लिए अब बहुत ज्यादा लोग हो जाएंगे, उसको मैनेज करने वाले लोगों की स्थिति बहुत ज्यादा हो जाएगी, मतलब उसको मैनेज करना टफ हो जाएगा। तो इस तरीके से महंगाई बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और कहीं ना कहीं हालात बहुत बुरे हो जाएंगे। बात करते हैं वृद्धिशील मुद्रा आपूर्ति क्या होती है। मान लीजिए हमारे पास 1 रुपए के केवल 100 नोट है और 200 लोग हैं, हर किसी को लेन देन में 200 नोटों की आवश्यकता है। ऐसा ही कुछ सिद्धांत मुद्रा के आकार बढ़ाते हैं, इसलिए वृद्धिशील मुद्रा की आपूर्ति का उत्पादन अनुपातिक होना चाहिए। जैसा कि ये कहना चाह रहा है कि भाई 100 नोट है लेकिन लोग कितने हैं, 200 हैं, अब हर किसी को 200 नोटों की आवश्यकता है, तो ये कहना चाह रहे हैं कि मुद्रा के आकार में भी यही कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है कि 100 नोटों को 200 लोगों में कैसे सर्कुलेट करना है, इसी के बेस पर वृद्धिशील मुद्रा आपूर्ति का कॉन्सेप्ट रखा जाता है। इसके अलावा मैं आपको बता देता हूं कि 21 लाख करोड़ कीमत के नोटों का चलन था वर्ष 2019 में, मतलब जो कहने का मतलब जो नोटों की लिक्विडिटी थी वो मार्केट में लगभग 21 लाख की थी, जो वर्ष 2018 के मुकाबले में 17% अधिक थी। और एक बार इसको भी देखना, आप लगभग 108.76 अरब नोटों का सर्कुलेशन था देश में पिछले वित्तीय वर्ष में, जो कि कितना बड़ा सर्कुलेशन होता है। और मैं आपको बता रहा हूं कि जो नोट छापने की मशीन है वो है महाराष्ट्र के नासिक में, ये जीके के पर्पस से भी बहुत अच्छा है कि नोट छापने की मशीन महाराष्ट्र के नासिक और मध्य प्रदेश में आरबीआई की देखरेख में छापे जाते हैं नोट, और इसके अलावा कर्नाटक और पश्चिम बंगाल में भी 2 छापे खाने, ये जीके के पर्पस से भी आपके लिए अच्छा हो सकता है। कोई देश कितनी राशि प्रिंट कर सकता है, हम इस पे बात करते हैं। वस्तु और सेवाओं के हस्तांतरण को सुचारू बनाने के लिए जितना पर्याप्त हो और मुद्रा का मूल्य भी बना रहे, नोट छापने से पहले सरकार व केंद्रीय बैंक जीडीपी, विकास दर और राजकोषीय घाटे की समीक्षा करते हैं और कुल जीडीपी का 2-3% मुद्रा ही छापते हैं। मैं आपको बताता हूं कि एक देश कितनी राशि प्रिंट कर सकता है, ये देश की जीडीपी को, विकास दर को और इसके अलावा हमको उस वर्ष में राजकोषीय घाटा क्या रहा है उन सब की समीक्षा करता है, और सिर्फ पूरे जीडीपी का ओनली 2-3% ही मुद्रा वो छाप सकता है, ताकि वो देश के डिमांड और सप्लाई के सर्कुलेशन को बनाए रख सके। इसके अलावा हमारे देश में सेंट्रल जो गवर्नमेंट बॉडी है वो है आरबीआई, तो आरबीआई जो हमारा 1 रुपए का नोट है वो फाइनेंशियल सेक्रेटरी छापती है, इसके अलावा बाकी सब आरबीआई के हाथों में होता है। तो एक बार में कितने नोट छाप सकता है आरबीआई, उस पर हम बात करते हैं कि नोटों की छपाई न्यूनतम रिजर्व सिस्टम के आधार पर तय की जाती है। ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू है और इसके अनुसार आरबीआई फंड में कम से कम 200 करोड़ रुपए मूल्य की संपत्ति अपने पास हर समय रखे रहना चाहिए। मतलब आरबीआई के पास मिनिमम 200 करोड़ रुपए की संपत्ति हमेशा होना चाहिए, और जब भी ये कंडीशन कम या ज्यादा होती कम होती है तो उसके उसको वापस लेवल पर लाने के लिए आरबीआई नोटों की छपाई करता है, और ये प्रणाली भारत में 1957 से लागू हुई है। तो यहां पर कुछ जीके के क्वेश्चन बनते हैं कि हमारे देश में नोटों की छपाई कौन करता है, आरबीआई। मैं आपको बता देता हूं, 1 रुपए की छपाई फाइनेंशियल सेक्रेटरी करती है, इसके अलावा आरबीआई सभी नोटों की छपाई करता है, और ये प्रणाली जो थी छपाई की वो 1957 से लागू हुई। इसके अलावा आरबीआई को कम से कम नोट छापने के लिए 200 करोड़ मूल्य की संपत्ति हमेशा अपने पास रखनी पड़ती है।
सो इससे निष्कर्ष क्या निकलते हैं, अमीर बनने के लिए किसी भी देश को अधिक प्रतिस्पर्धी और तकनीकी रूप से उन्नत होने की आवश्यकता है। अनुपात से अधिक धन छापने से महंगाई मुद्रास्फीति की स्थिति ही पैदा होगी। मतलब मेरा ये मानना है कि हर देश को अपने आप को कॉम्पिटिशनली और टेक्नोलॉजिकली और अपने आप को डेवलप करना होगा, अपने आप को आगे लाना होगा। लोग दूसरे देश आपके देश से ज्यादा आयात करें, वो आपकी चीजों की डिमांड हो उनके देशों में, तो आपका देश आगे जाएगा, न कि ज्यादा धन छापने से। इससे महंगाई बढ़ेगी, मांग बढ़ेगी और कहीं ना कहीं आपकी मुद्रा की स्फीति होगी, मतलब उसका मूल्य घटेगा। सो इसका क्रेडिट एक बार फिर मैं राजस्थान पत्रिका को देता हूं। और प्लीज थैंक यू फॉर वॉचिंग एवरीथिंग फॉर एग्जाम एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।